RCM क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारा जो RCM हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो हम उस क्वालिटी की जांच हमारी सेंट्रल लैब में हमारे इस क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में करते हैं। वो हम लोग अलग अलग मेथड से अलग अलग पैरामीटर्स पे उसकी हमारी जांच की जाती है। तो आइए मैं हमारी लैब जो सेंट्रल लैब है आपको विजिट करवाती हूँ, जहाँ RCM के ऑल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी जाती है। चलिए ताली बजा दे मेरी मैडम। जैसा कि हमारी जो टेस्टिंग है वो अलग अलग मेथड्स पर होती है, अलग अलग जोन में होती है, फर्स्ट अलग अलग स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं केमिकल टेस्टिंग लैब। केमिकल टेस्टिंग लैब में केमिकल की हेल्प से केमिकल के माध्यम से सारी टेस्टिंग डन की जाती है। फूड एंड नॉट फूड हमारे जो केमिस्ट है वो सभी केमिकल का यूज करके हमारी टेस्टिंग को डन करते हैं। सेकेंड इज पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब। इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट जिसमें पैक हो रहा है उस मटेरियल की टेस्टिंग करी जाती है। बॉक्स लैमिनेट एंड बॉक्सेस और जो प्रोडक्ट उसके डायमेंशन को देखा जाता है कि हमारी जितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो उस बॉक्स में कंफर्टेबली आ जाए। देन हम क्या आते हैं, मैम एक क्वेश्चन, एक बार पीछे पीछे ये जो सर सवाल एक बार कर लीजिएगा, पहले यहाँ का समझ लीजिए, सवाल का सबका जवाब दे रहा है। एक बार ये पूछना मैडम जी, अपना जो एल्डिहाइड ऑयल है ये फिजिकली रिफाइंड होता है? फिजिकली रिफाइंड का मींस ये है सर, जब रिफाइनरी चलती है इस ऑयल की तो उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता है। कुछ ऐसा ऑयल होता है जिसके अंदर उसकी रिफाइनरी में कास्टिक ऐड किया जाता है FFA को कम करने के लिए, जो हमारी कंपनी नहीं करती। जो कास्टिक होता है हमारी बॉडी को हार्म करता है और वो चीज़ें कोई भी केमिकल हमारी रिफाइनरी में यूज नहीं किया जाता है। समझते हैं, हम लोग कोई चीज़ छाननी है हमें तो एक तो हम लोग हमारी जो सीव छलनी होती है उससे डायरेक्ट छान लेते हैं, वो फिजिकली होता है। एक आप कोई केमिकल कुछ एक्स्ट्रा मेटल उसमें डालकर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जाता है केमिकली हो जाता है। तो सर यही है कि हमारी जो रिफाइनरी चलती है उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, इसलिए हमारे जो पैकेट है हमारा जो हेल्थ कार्ड ऑयल है उस पर लिखा है फिजिकली रिफाइंड ऑयल। मिल गया सर? ये है हमारी एडवांस एंड टेस्ट इंस्ट्रूमेंटल लैब। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं आपको सारे एडवांस एंड लेटेस्ट है। यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, टिंटोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, पीएच मीटर, कार्ल फिशर एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से हम हमारे ऑयल में ट्रांसफेट, सेट, पुफा एंड मुफा के एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हमें ट्रांसफेट फ्री ऑयल खाना चाहिए। ट्रांसफेट फ्री ऑयल से हम खाएंगे ऑयल तो हम लोग हार्ट अटैक से बचेंगे। तो हम लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रैंड ऑयल है वो अब हमें ट्रांसफेट फ्री मिलेगा। जो ट्रांसफेट हमारा अभी है वो 0% हो जाएगा। ये मार्केट में आ चुका है क्वालिटी के पैरामीटर्स पर ओके, और आप लोगों के पास कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा। थैंक यू मैम। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस होती है जो कि इन्फेक्शन करती है, तो हम लोग हमारे यहाँ वो मेथड यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई ऐसा बैक्टीरिया एंड फंगल तो प्रेजेंट नहीं है जो हम जब इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें तो हमें इन्फेक्ट करें। जब ये सारे बैक्टीरिया एंड फंगल हमारे प्रोडक्ट में एब्सेंट होते हैं तभी हम लोग हमारे प्रोडक्ट को यहाँ से रिलीज करते हैं। इधर देखते हैं NPD फूड लैब, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फूड लैब। यहाँ हमारे रिसर्च साइंटिस्ट टीम वर्क करती है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड जो स्टैंडर्ड है उन पर वर्क करती है और आप लोगों तक हम लोगों तक प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतरीन से बेहतरीन करके उच्च क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। NPD FMCG लैब, यहाँ भी हमारी रिसर्च टीम वर्क करती है जो कि कॉस्मेटिक्स होता है हमारा, नॉन फूड है लाइक क्रीम ऑयल और एंड किस ऑयल के प्रोडक्ट, उन सभी के टेस्टिंग मार्केट में पहुंचने के पहले हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स पर ओके करते हैं।
इतनी सारी टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग, एडवांस एंड लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, जब इन सभी पैरामीटर्स पर, क्वालिटी पैरामीटर्स पर ओके होता है हमारा टेस्ट, उसके बाद हमारी जो साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट टीम है वो इस प्रोडक्ट को रिलीज करती है अपने पैरामीटर्स पर ओके करके। और यहाँ जितने भी केमिकल टेस्टिंग होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट रन किए जाते हैं, वो सभी हाईली क्वालिफाइड, ट्रेंड एंड जिनमें टेक्निकल स्किल्स है उस स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। हमारा जो क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर है वो आप हमें देता है कि हमारे जो क्वालिटी, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फिटनेस का प्रूफ, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसका इंस्पेक्शन करना, थर्ड इज हमारे जो क्वालिटी है उसका कंफर्मेशन करना, एंड लास्ट हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। हमारे कस्टमर की सहमति में ही हमारी स्वीकृति है, इसीलिए कहा गया है ईस्ट और वेस्ट, RCM इज द बेस्ट। जय RCM, धन्यवाद। ट्रांसफैट होता है वो जो डिक्लेरेशन है कि 100 ग्राम में 2 ग्राम से नीचे होना चाहिए, मतलब 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हम तो 2 ग्राम भी नहीं देंगे। अगर वो ख़राब चीज़ है तो ख़राब चीज़ बिल्कुल नहीं देंगे उसके पास। अभी तक अपने ऑयल को ट्रांसफैट फ्री नहीं किया है। हम लोगों ने ये ट्रांसफैट फ्री, मतलब जो 2 के नीचे जो FSSAI ने जो लिमिट दिया वो 2 दिया है, हम कहते हैं हम 2 भी नहीं देंगे, हम 1 भी नहीं देंगे, हम 0 देंगे। तो अभी जो बहुत ही जल्द मार्केट में बहुत ही जल्द आप लोगों के पास पहुंचने वाला है वो 0 ट्रांसफैट फ्री का आने वाला है सर, जो हमारे अचीवमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू।